आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बेल्ट रिव्यू। जी हाँ, और रिंग बेल्ट डिज़ाइन जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी रिव्यू, और साथ के साथ इसे लगाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस रिंग बेल्ट को कैसे लगाते हैं। सिंपल सी हुक वाली बेल्ट तो आप लगाना जानते हो, बट जिसके लिए न्यू है तो इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। और ये जो है फैब्रिक बेल्ट है, बहुत ही अच्छी बेल्ट है, सॉफ्ट है, और जैसा कि आप जानते हो इस तरह की बेल्ट को लगाना काफ़ी इजी होता है और सभी को आता है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है, लुक भी अच्छा आता है। बट ये न्यू डिज़ाइन की जो बेल्ट आ चुकी है इसमें थोड़ी सी दिक्कत चली जाती है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि ये बेल्ट कैसे लगती है, और हम आपको बता दें यहाँ पर एक चीज़ और कि ये फैब्रिक की है, और बाकी जो थी लेदर की बेल्ट होती है, चमड़े की बेल्ट होती है। इस तरह की रिंग डिज़ाइन देखिए, इस तरह से बनती है, ये इस तरह से कुछ नज़र आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है, और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, और आज आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा जो कि आपको काम में आने वाली है। सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको बेल्ट का दिखा रहे हैं। ये बेल्ट बहुत ही सॉफ्ट है, कलर आपको अलग अलग डिफरेंट मिल जाएंगे, और इस तरह से देखिए स्टिच की गई है। इसमें दो हुक हैं, रिंग डिज़ाइन है, इसमें रिंग है दो, और यहाँ पर जो है स्टिच की गई है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको अच्छा आइडिया दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बैग जो है, कपड़े की बैग जो आपकी जो ख़राब हो चुकी है, जिसमें आप क्लोथ भरते हैं, ट्रेवल करते हैं, उस तरह की बैग जो होती है उसमें इस तरह से लगी होती है, जो वहाँ पर टांगने के लिए जो बेल्ट लगी होती है, उसको आप निकाल करके इस तरह से, आपके पास दो अगर रिंग बेल्ट हैं, रिंग है इस तरह की, तो आप इस तरह से उसमें स्टिच कर दीजिए और आपका बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और उसी तरह का फैब्रिक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये जो बेल्ट बनकर रेडी हुई है, और ये जो बेल्ट है देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको लगानी है। पहले आपको जो है घुसानी है, उसके बाद एक में यहाँ पर इस तरह से घुसानी है देखिए, और उसके बाद इसे इस तरह से टाइट करनी है। जितनी आपकी ज़रूरत है, आप उस हिसाब से नीड है, आप टाइट कर लीजिए, और इस तरह से यहाँ पर टाइट करके बन गई। और देखिए इस तरह से करना चाहते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, और दो तरीके से आप वहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे वापस से लगा देंगे तो ये और दूसरी डिज़ाइन बनकर रेडी होने वाली है। ये लुक आएगा, फाइनल लुक इस तरह का आएगा, और जो एक्स्ट्रा बची है वो आप पैंट के जो बेल्ट में और भी फंसाने वाली होती है वहाँ पर उसमें लगा दीजिए, और एक्स्ट्रा बच रही है तो लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू डिज़ाइन की है, फैशनेबल बेल्ट है, तो आपको जिस तरह से बच्चे का है, छोटे बच्चे का है तो आप फंसा दीजिए, और बड़े बच्चों का है तो फिर आप उसे स्टाइलिश बना दीजिए नीचे लटका कर। तो कैसी लगी बताइएगा, कितना ईजी है, लेकिन जिनको नहीं आता तो उनको समझ में नहीं आती न्यू डिज़ाइन की आ गई तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें। इस तरह से भी आप इसे घुमा कर उल्टा लगा देते हैं तो भी एक न्यू डिज़ाइन बन जाएगी इस तरह से, तो ये भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपका मन है आप कर सकते हो, बेल्ट हुक नज़र भी नहीं आने वाली है, तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से टाइटली फिट हो जाती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप फटाफट से देख पाएँ, क्योंकि हम लेकर के आते हैं यूज़फुल वीडियो। और हमने आपको यहाँ पर दिखाया कितना सॉफ्ट मटेरियल है, देखिए इस तरह से मुड़ रहा है, बिल्कुल फैब्रिक का ही है, दिख रहा है थोड़ा स्टाइलिश पर है फैब्रिक जैसा, और आप बना सकते हो, बहुत ही इजी था। हमने कितनी आसानी से आपको दिखा दिया है कि इस तरह से सिलाई कहाँ करनी है, और लास्ट में भी किस तरह से करनी है। ये देखिए यहाँ सिल दीजिए, बस थोड़ी सी हुक लगा दीजिए और यहाँ पर सिल दीजिए। कोई सी भी आपके घर में भी बहुत सारी ड्रेसेस में आती हैं, आप उससे भी बना सकते हो, इस तरह की पतली वाली बेल्ट बना सकते हो, मोटी बेल्ट बना सकते हो, आपको जैसी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप बना सकते हो। बहुत सारी ड्रेसेस में बहुत सारे हुक आते हैं, इस तरह के रिंग आते हैं, जिसे लगा करके आप न्यू न्यू कलर की बेल्ट बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, और इस तरह से साइड में उसे स्टिच कर देना है। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आता है, दोनों तरफ का लुक हम आपको एक साथ दिखा देते हैं। लास्ट में भी आप इसे कपड़े से जो है स्टिच कर दीजिए और यहाँ रिंग लगा दीजिए, हो गई बेल्ट तैयार। तो कैसा लगा हमारा बेल्ट का वीडियो, और बेल्ट बनाने का आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।